पाठ दो, हमारी भाषा, आर लैंग्वेज। हम सब बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं। मोहित, आज तुम्हारा बस्ता बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है, क्या तुम्हारी परीक्षा है? अरे राहुल, बस्ता इसलिए हल्का है क्योंकि आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं। आज हमारी कक्षा चिड़ियाघर जा रही है। वाह, तुम्हारे तो मजे आ गए, काश हम भी जल्दी ही पिकनिक पर जाएं। राहुल, तुम्हारी कक्षा को शायद अगले सप्ताह चिड़ियाघर ले जाएंगे। यहाँ राहुल और मोहित बोलकर अपनी बात कह रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। अध्यापिका ने श्यामपट पर लिखकर बच्चों को 1 से 10 तक गिनती लिखने को कहा है। यहाँ पर अध्यापिका संकेत से बच्चों को चुप भी होने को कह रही है। इस प्रकार बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा अपने मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। विभिन्न साधनों द्वारा अपने मन की बात को एक दूसरे को समझाना ही भाषा है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा। मोहित ने बोलकर अपनी बात राहुल से कही और राहुल ने सुनकर उसकी बात समझी, यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा। अध्यापिका बच्चों को श्यामपट पर लिखकर गिनती लिखने को कह रही हैं और बच्चे पढ़कर उनकी बात समझ गए हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। हम इशारों से भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, जैसे अध्यापिका ने चुप होने का संकेत किया और कक्षा शांत हो गई। भाषा का यह रूप सांकेतिक होता है। व्याकरण में हम केवल मौखिक और लिखित रूपों को ही पढ़ते हैं। हमने सीखा अपनी बातों, भावों को एक दूसरे को समझाना और समझना भाषा है। हम अपनी बात बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा।